ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी की चेयरपर्सन माधुबी पुरी बुच पर लगाया गया चौथा आरोप हटा लिया है। इस आरोप का संबंध रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जुड़े नियमों से था। आरोप में कहा गया था कि इन नियमों से ब्लैकस्टोन को फायदा हुआ। 10 अगस्त को हिंडनबर्ग के आरोपों पर माधुबी पुरी बुच ने सफाई पेश की। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक आए कई पोस्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि REIT से जुड़ा आरोप हिंडनबर्ग ने हटा दिया है। हिंडनबर्ग ने 11 अगस्त की देर शाम अपने आरोपों पर बुच के जवाब पर नए सवाल उठाए थे। ये एक ऑफशोर फंड में बुच की हिस्सेदारी से जुड़े थे। बुच की तरफ से सिंगापुर में बनाई गई कंसल्टिंग कंपनी के जरिए हुए बिजनेस की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए थे। इंडिया स्थित एक कंपनी ने रेवेन्यू के स्रोत पर भी सवाल उठाए गए थे जिसमें बुच की हिस्सेदारी है। लेकिन चौथे आरोपों के बारे में कोई नया सवाल नहीं पूछा गया। पहले कहा गया था कि मार्केट रेगुलेटरी की तरफ से REIT से जुड़े कई नियम लागू किए गए जिनसे ब्लैकस्टोन को फायदा हुआ। ब्लैकस्टोन इंडिया में REIT के सबसे बड़े स्पॉन्सर्स में से एक है। ब्लैकस्टोन ने बुच के पति धवल बुच को अपनी कंपनी में सीनियर पोजिशन पर अपॉइंट किया था। हिंडनबर्ग ने यहां तक कहा था कि माधुबी बुच संभवतः इंडिया में रिट की सबसे बड़ी पैरोकार रही है। उसने अपने दावे के पक्ष में बुच के भाषण का हवाला दिया था जो उन्होंने न्यूज 18 के एक कार्यक्रम में दिया था। हिंडनबर्ग के आरोपों के जवाब में माधुबी बुच और धवल बुच की तरफ से जो बयान जारी किया गया उनमें कहा गया है कि धवल को ब्लैकस्टोन ने 2019 में सीनियर एडवाइजर के पोस्ट पर नियुक्त किया था। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में धवल के व्यापक अनुभव को देखते हुए ये नियुक्ति हुई थी। इस तरह ये अपॉइंटमेंट माधुबी बुच के सेबी के चेयरपर्सन नियुक्त किए जाने से पहले हुई थी। माधुबी और धवल बुच के बयान में ये भी कहा गया है कि धवल की नियुक्ति के बाद ब्लैकस्टोन ग्रुप को तुरंत सेबी की माधुबी की रिक्यूजल लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। इस बयान में पॉलिसी बनाने से जुड़े सवालों के जवाब देने की भी कोशिश की गई है। इसमें कहा गया है कि पिछले 2 साल में सेबी ने 300 से ज्यादा सर्कुलर जारी किए हैं। इन्हें व्यापक चर्चा के बाद जारी किया गया। इन्हें सेबी के बोर्ड ने अप्रूव किया था।